नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी सरी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 15 अप्रैल 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है के करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहले अपडेट यूपी टेट के संदर्भ में है कि परीक्षा में गलत गोला भरने वाले 6000 युवा जो है वो बाहर हो गए और लगातार जो है वो उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि उनकी भी कॉपियां जो है वो चेक हो। उसी के संदर्भ में लिखा है कि हजारों युवाओं को जो है वो निराश कर दिया गया है। टीईटी के दौरान आशा रोल नंबर बुकलेट सीरीज आदि का गोला सही नहीं भरने या एक से अधिक गोला भरने के कारण उनकी जो ओएमआर सीट है उसका मूल्यांकन नहीं हुआ है और पास होते ही तकरीबन 6000 प्रतियोगी छात्र जो है वो बाहर हो गए। परिणाम घोषित होने के बाद से प्रतिदिन सैकड़ों छात्र जो है वो सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज में पहुंचकर अपनी ओएमआर का मूल्यांकन करने की गुहार लगा रहे हैं। कई अभ्यर्थी अफसर जो है उनको अपना नंबर भी बताकर रो पड़ते हैं और उन्हें डका सा जवाब मिलता है कि यदि गोला गलत भरा है तो किसी भी सूरत में ओएमआर का मूल्यांकन नहीं होगा। और लास्ट में ये लिखा है महज एक चूक ने जो है उनको कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर कर दिया है। सरकार की योजनाओं पर भी प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता उसकी बात की गई है। अच्छा, इसी के संदर्भ में और भी अलग अलग जगह से न्यूज़ है। इसमें भी देखिए वही लिखा है गोला भरने की गलती से 6000 युवा हुए बाहर। और यहाँ पर एक नाम भी लिखा हुआ है कि उमेश जो है उनका दावा है कि उन्होंने 105 प्रश्न सही किए थे। इस तरीके की चीज़ें भी जो है वो लिखी हुई है। साथ ही कुछ और नाम भी यहाँ साइड में दिए हैं जिसमें अक्षय कुमार, भूपेन त्रिपाठी, इस प्रकार से इन सभी ने जो है टीटी में नंबर सीरीज बुकलेट और भाषा विकल्प का गोला जो है वो नहीं भरा है। इस कारण इनके परिणाम को अमान्य जो है वो बताया गया है और उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया जो कि हमने ऊपर ऑलरेडी जो है वो देख लिया। अगले दिन से जेई एडवांस के संबंध में कि जेई एडवांस की परीक्षा अब 28 अगस्त को जो है वो होगी। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा होती है ये। IIT मुंबई ने इसकी जो है वो नई जारी कर दी है तिथि। रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसमें 7 से 11 अगस्त तक जो है वो देखने को मिलेगा। अगली है कि प्रदेश के जो नर्सिंग कॉलेज उनमें 160 पदों पर जो है वो भर्ती शुरू होगी। इसमें लखनऊ से न्यूज है और इसमें ये बताया गया है कि 160 जो पद हैं नर्सिंग कॉलेजों में, 7 मेडिकल कॉलेज में प्रदेश के, उनमें जो है जल्द भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी। इसका विज्ञापन जारी करने जो है वो जा रहा है विभाग। और साथ ही साथ लास्ट में ये भी बताया गया है कि 4743 स्टाफ नर्सों के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई जो भर्ती प्रक्रिया उसमें सिर्फ 3014 सफल अभ्यर्थी ही मिल सके थे। तो यहाँ पर भी आपकी पोस्ट जो है वो खाली रह गई थी। अगली न्यूज है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से रिलेटेड, जिसमें 2.96 लाख छात्रों की परीक्षा 26 से जो है वो 3 पालियों और 2 पैटर्न जो है वो उसके लिए होंगे, उसकी बात जो है वो की गई है जो भी इससे संबंधित है। इसमें यह भी बताया गया कि PhD प्रवेश जो परीक्षा है उसके प्रश्नों पर 17 आपत्तियां भी देखने को मिली हैं। अगली न्यूज है 5 केंद्रों पर होगा बोर्ड परीक्षा जो है उसका मूल्यांकन। तो पेपर तो आपके कंप्लीट हो गया, मूल्यांकन जो है वो स्टार्ट होना शुरू होगा। तो उसी की बात यहाँ पर यूपी बोर्ड के संदर्भ में लिखा हुआ है। तो 5 केंद्रों की बात यहाँ पर जो आगरा से न्यूज है उसकी जो है वो की गई है। ये तो आपके पूरा यूपी लेवल पर जो है वो चेक होती है, तो उसके लिए अलग से जो है वो सेंटर जो है वो निर्धारित किए जाते हैं। साइड में सबसे लास्ट में ये भी लिखा है कि 21 या 23 मार्च से मूल्यांकन कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। अगले दिन से केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है उसमें सांसद कोटे पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 7500 दाखिले हर साल होते थे सांसद कोटे से, तो इस पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है उनका कोटा पिछले साल ही खत्म किया जा चुका है। इसके तहत 450 अभ्यर्थियों को दाखिला देने की अभी तक व्यवस्था जो है वो पहले होती थी। अगले दिन से UPSC अब BEO भर्ती के कट ऑफ के लिए भी अड़े अभ्यर्थी। छात्रों की मांग है कि अन्य परीक्षाओं के प्राप्तांक और कट ऑफ जो है वो जारी करे UPPSC। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है जिसमें बताया गया प्राप्तांक कट ऑफ की जानकारी से बेहतर होती है जो है वो तैयारी, तो ये जरूरी है कि इसे जारी किया जाए। अगले दिन से दरोगा भर्ती से संबंधित कि 9534 पदों के लिए कट ऑफ जारी कर दिया गया है और एक पूरी लिस्ट जारी की गई है जिसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है। जो भी भैया इससे संबंधित हो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने पहले भी कहा है कि सभी अपडेट से रिलेटेड जुड़े रहना तो टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइएगा और बालाजी स्टेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी लिंक, अबाउट सेक्शन में भी, वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा और अभिलेखों का सत्यापन 25 अप्रैल से होगा। 12 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 के बीच जो है वो लिखित परीक्षा जो है वो इसकी हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पर श्रेणीवार कट ऑफ की बात भी की गई है जिसमें सामान्य, आर्थिक कमजोर, अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सभी की यहाँ पर कट ऑफ जो है वो अलग अलग दी गई है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगले दिन से UPPSC या BEO भर्ती हमने ऊपर देख ली। अगले दिन से टाइपिंग परीक्षा में अब तक सिर्फ 7.5% कर्मचारी ही पास हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति के लिए टाइपिंग परीक्षा जो है वो हुई थी, उसी की बात की गई है।
कि केवल 7.5% ही जो है वो लोग पास हुए। सेकेंड लास्ट न्यूज, लास्ट की दोनों करंट अफेयर से रिलेटेड है कि इंग्लैंड जो है उसको 2 विश्व कप जिताने वाली गेंदबाज सरब सोले, इन्होंने संन्यास जो है वो ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, संन्यास जो है इन्होंने घोषणा की है। 2017 के विश्व कप में भारत के खिलाफ इन्होंने 46 रन दे करके जो है वो 6 विकेट जो है वो हासिल किए थे। ये एक इनकी बड़ी उपलब्धि जो है वो थी। अगली और लास्ट करंट अफेयर जो है वो देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा कि भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को 3-0 से धोया। प्रो हॉकी लीग की बात यहाँ पर की गई है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग जो है उसकी बात जो है की गई, उसमें एक कारनामा जो है वो किया है। पुरुष हॉकी विश्व कप का लोगो भी जारी किया गया है, इस लोगो को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसी चीजें करंट अफेयर में बहुत पूछी जाती हैं और चाहें तो इसके बारे में और डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोगों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।